हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 247। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। एज यू ऑल नो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जर्नलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकाली है, जो कि टोटल पोस्ट है हमारी 150। दिस इज़ अ वेरी बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 150 वैकेंसीज निकाली हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर की। तो आज हम इसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा वेटेज जो एग्ज़ाम में दिया है, दैट इज़ गिवन टू प्रोफेशनल नॉलेज। तो आज हम इसी प्रोफेशनल नॉलेज की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रोफेशनल नॉलेज में। और ये प्रोफेशनल नॉलेज ही है स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा वेटेज कवर कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आप लोगों को बताना है हमें। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 23rd of March से, आपको पता है। एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 6th of April 2021। तो इस डेट के पहले आपको अप्लाई करना है। इट इज़ अ वेरी बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड डेट ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू इज़ नॉट रिलीज्ड येट, पर हाँ, हमें मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चलते हैं कि ऑगस्ट के आसपास हमारा जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है इस 6th of April के ऊपर कि 6th of April के पहले हमें ये वैकेंसी फिल करनी है। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न की बात अगर हम करें तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले हमें दिया गया है 150 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, दैट इज़ ऑफ टू आवर्स दिए गए हैं। सेक्शनल टाइमिंग आपको पहले से अलॉट किया गया है, हर एक सेक्शन में अलग अलग टाइम अलॉट कर दिया गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए गए। सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेम रीजनिंग, तो ये तीन सब्जेक्ट जो है हमारे सेम टाइम ड्यूरेशन आपको सेक्शनल दिया गया है और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं टू अटैम्प्ट। ओके, सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया गया है स्टूडेंट वो है प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, 90 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और 75 मिनट्स आपको दिया गया है प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। प्रोफेशनल नॉलेज का जो हमारा पेपर है उसमें 75 मिनट्स मिलना मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए। इजीली आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे बेस्ट अगर हम बात यहाँ पे करें, दैट इज़ कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको अटैम्प्ट करने हैं पूरे 150 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको सारे 150 क्वेश्चन अटैम्प करने हैं बिकॉज देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फॉर्म फिल नहीं किया है, गो एंड फिल दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल नॉलेज की बात, हम स्टार्ट करेंगे अब से। तो इनिशियली बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन दिया करता था, अब ये 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको जहाँ पर देना है वो देना है प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा करेगा, फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस की, कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करेंगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट सिलेबस हम देख रहे हैं, तो हम जब भी फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम सिंपली मींस एक्सचेंज ऑफ फंड्स और द सिस्टम विच रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ फंड। यानी कि वो सिस्टम जहाँ पे हम फंड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो सिस्टम जो फ्लो ऑफ फंड्स को मैनेज कर रहा है, फ्लो ऑफ फंड्स को मैनेज कर रहा है, या फिर हम फंड्स को एक्सचेंज करें, आप कुछ भी बोलिए एक ही बात है। तो इस सिस्टम को हम पढ़ेंगे इन डिटेल। अब फ्लो ऑफ फंड्स को मैनेज कौन कर रहा है, तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम है हमारा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंड्स को एक्सचेंज करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट भी हमारे फाइनेंशियल दो मार्केट ऐसे हैं जहाँ पे आप फंड्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमारा कवर करेगा पूरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्लियर। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ तो टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में हम बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक्स की हम बात करेंगे, दैट इज़ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बैंक है जो हमें डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शेड्यूल बैंक्स क्या हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नॉन कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कॉपरेटिव बैंक्स क्या है। तो ओवरऑल टाइप्स ऑफ बैंक का रिव्यू हमें यहाँ पर देखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमें देना है पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, बिकॉज दीज आर द टू न्यू कैटेगरीज इन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हमने बैंक्स तो देख लिए कौन कौन से, अब इन बैंक्स में कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो बैंक की है, जिसको हम बोल सकते हैं बैंक का डे टू डे ट्रांजेक्शन है, दैट इज़ अकाउंट्स। किससे रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड। तो अकाउंट्स हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट है हमारे। बेसिक अकाउंट्स की हम जो बात करते हैं, जनरल अकाउंट, दैट इज़ कासा राफा, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कासा राफा क्या है। देन हम बात करेंगे कुछ NRI अकाउंट्स की, दैट इज़ NRE अकाउंट, NRE अकाउंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस NRO अकाउंट, देयर इज FCNR अकाउंट, EFC अकाउंट,
नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स हैं हमारे जो हमें कवर करने हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर. ओके, तो ये सभी टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर करेंगे. इसके अलावा एस्क्रो अकाउंट भी हमारा, व्हाट इज़ एस्क्रो अकाउंट, ये सारी चीज़ें हम टाइप्स ऑफ अकाउंट में इन डिटेल पढ़ेंगे. व्हाट आर दी कंडीशंस, कौन कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है, किस कंडीशंस पे खुलवा सकता है, जो इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे हैं इन अकाउंट्स पे दैट आर टैक्सेबल और नॉट, इन्हीं के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग. टाइप्स ऑफ बैंकिंग बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है हमारा बैंकिंग का, जो हर एक स्टूडेंट चाहे वो किसी भी जनरल बैंकिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तो उसको ये पता होता है, लाइक व्हाट इज वर्चुअल बैंकिंग, व्हाट इज पैरा बैंकिंग, व्हाट इज नैरो बैंकिंग, इन सब टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग, तो ये सारे हमारा आएगा टाइप्स ऑफ बैंकिंग के अंदर. नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. जैसे कि आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को डायरेक्ट किया है टू सेटअप एन इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट कंप्लायंस. एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट कंप्लायंस सेटअप करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को कहा है, और वही हमारा क्या है, CCO, ठीक है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. तो इनके क्या रोल रहेंगे बैंकिंग सिस्टम में, ये किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं बैंक्स को उनके मैनेजमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो हम रोल ऑफ CCO भी देखेंगे, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम. तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में रिसेंट चेंजेस हुए हैं कुछ, आप सभी को पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी 21 में कुछ चेंजेस किए हैं बैंकिंग अम्बोर्समेंट में. तो रिपोर्ट आई थी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो उसी बैंकिंग अम्बोर्समेंट को अपडेट हमें करके पढ़ना है कि क्या चेंजेस बैंकिंग अम्बोर्समेंट में किए गए. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लैंडिंग रेट्स. टाइप्स ऑफ लैंडिंग रेट्स की बात जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें हर एक टाइप की लैंडिंग रेट देखनी है. लाइक हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि रिसेंट लैंडिंग रेट्स हैं MCLR एंड रैपो लिंक्ड लैंडिंग रेट, ये सिर्फ दो ही नहीं पढ़नी, हमें स्टार्ट करना होगा फर्स्ट टाइप ऑफ लैंडिंग रेट से, दैट इज़ प्राइम लैंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट. इसके बाद हम बात करें बेस रेट, बेस रेट से फिर हम आए MCLR के ऊपर, देन हम अब क्या कर रहे हैं रैपो लिंक्ड लैंडिंग रेट को यूज़ कर रहे हैं. तो MCLR और रैपो लिंक्ड लैंडिंग रेट, इन दोनों को ही कवर करेंगे पुरानी कुछ लैंडिंग रेट से, ठीक है. यहाँ पर लैंडिंग रेट्स का मतलब हम कमर्शियल बैंक्स के लैंडिंग रेट्स की बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी. देखो मॉनेटरी पॉलिसी की लैंडिंग रेट्स नहीं कहलाती, वो रैपो रेट्स कहला रही हैं. वो हमारी कौन सी रेट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बात करें CRR SLR की, तो दैट आर रिजर्व रेशियोज. और बाकी रेट जो है हमारी बैंक रेट, रैपो रेट, रिवर्स रैपो रेट, ये सब किसका पार्ट है, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का. लैंडिंग रेट्स की बात जब हम करेंगे तो हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स की. ओके, नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट आर द सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस हैं. यहाँ पर RBI से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सिलेबस में आने वाली है, दैट इज सर्कुलर. RBI के सर्कुलर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप जर्नलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम देने जाते हैं. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, RBI का बेसिक स्ट्रक्चर तो हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट आर द सब्सिडरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके साथ साथ हम कवर करेंगे सर्कुलर्स को भी, जो हमारे करेंट अफेयर्स के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में सारे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कवर करना है. व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस, लाइक हमें पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का बाय मंथली रिव्यू आ रहा है, तो उस बाय मंथली रिव्यू में जो रिसेंट पॉलिसी हमारी होगी उसके अपडेट्स भी हमें देखने होंगे, ठीक है. नेक्स्ट आगे हम बात करें दैट इज़ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन आपको पता है सिंपल क्या है, राइज इन प्राइजेस. तो राइज इन प्राइजेस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन. लाइक अगर हम अभी बात करें तो इस पैंडेमिक की ड्यूरेशन में हमने देखा है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात हम करें तो टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है इन्फ्लेशन को मैनेज करने का, दैट इज 4%. यहाँ पे प्लस माइनस 2% का सीलिंग लेकर चलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पर अगर हम इस ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक की बात करें तो हमें देखा गया कि ओवर 6% हमारा इन्फ्लेशन रहा है. तो इन्फ्लेशन क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट इज मनी मार्केट, दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट, जिसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो मनी मार्केट में इंपॉर्टेंट है हमारा द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट के हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल एंड CBLO. CBLO स्टैंड्स फॉर कोलेटरलाइज बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन. तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट जिसको हमें कवर करना है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ हमें ये तो पता करना ही है व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी हमें पढ़ना पड़ेगा. कुछ सेक्शंस हमें देखने पड़ेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है. लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो हमें पता है प्रॉमिसरी नोट,
बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक आर द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बताए गए हैं, तो उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे विद सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे पीएसएल की, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. आप सभी ने सुना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, द सम इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ आर इकोनॉमी जिनको बैंक्स को लैंडिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे लैंडिंग करनी होती है, तो वही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में हम बात करेंगे. जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, कुछ सेक्टर्स आरबीआई ने ऐड किए वो देखेंगे. नेक्स्ट कैपिटल मार्केट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल मार्केट की बात जब हम कर रहे हैं तो आपको डेरिवेटिव्स देखने होंगे, आपको इक्विटी मार्केट देखना है, आपको कमोडिटी मार्केट देखना है. देन सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट लाइक फॉर एग्जांपल एसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट जिनको इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है, लाइक हेजिंग. व्हाट इज़ हेजिंग? हेजिंग के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कैपिटल मार्केट को कवर करना है. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग की हम यहाँ पे बात करें, तो एक एक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ठीक है, वी हैव टू कवर दिस. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934. तो ये तीन इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं. इसके अलावा हमें कवर करना होगा स्टूडेंट फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जब हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम की, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जब हम कवर करेंगे तो यहाँ पर हम कवर करेंगे फेमा को. ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को. नेक्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम कवर करेंगे एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. नेक्स्ट एनबीएफसीज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अम्बोड्समैन स्कीम लेकर आया है, दैट इज अम्बोड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमारे यहाँ पे आते हैं, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट. तो फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हमारा 2020-2021, वो हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करना है. इसमें इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनको डिटेल में पढ़ना होगा. ठीक है, तो ये हमारा यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे एग्जाम के लिए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, NPCI की बात करें. अब देखो, जब हम NPCI की बात करेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो हमें यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को भी कवर करना होगा, दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2007. तो PSS एक्ट भी हमें थोड़ा सा कवर करना है यहाँ पे, क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, रिटेल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट NPCI से रिलेटेड फिर आता है हमारा अम्बोड्समेंट डिजिटल पेमेंट, अम्बोड्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल पेमेंट्स. तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अम्बोड्समेंट स्कीम ला चुका है, उसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट देयर आर टाइप्स ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लाइक पेपर बेस्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, कार्ड बेस्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, डिजिटल पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स है. तो ये टाइप्स ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस मीन्स सिंपल द ट्रांसफर ऑफ मनी. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेमिटेंस, रेमिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी. और जब आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे मनी ट्रांसफर करने के अलग अलग मैथड्स हैं, तो वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही मैथड्स को हम कवर करेंगे. ओके, नेक्स्ट इंडियन करेंसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. करेंसी सिस्टम हमारा क्या है, कौन कौन सी नई करेंसीज आरबीआई ने लॉन्च की है. इन करेंसीज से भी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लाइक वट इज द कलर ऑफ 2000 रुपी नोट, वट इज द डायमेंशन ऑफ 50 रुपीज नोट. तो ये बेसिक से क्वेश्चन हैं, जनरल क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, हम इसको इग्नोर करके चलते, बट नहीं, हम जब इंडियन करेंसी सिस्टम को स्टडी करेंगे तो हम ये सारी चीजें कवर करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज एमएसएमई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. तो एमएसएमई से रिलेटेड जो भी रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं, या फिर हम बोलें क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फॉर एमएसएमई, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आर एग्जाम. रिस्क मैनेजमेंट में सारी टाइप्स ऑफ रिस्क हम कवर करेंगे, क्रेडिट मैनेजमेंट को हम यहीं पे कवर करेंगे. तो रिस्क मैनेजमेंट में लाइक फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं हमारा मार्केट रिस्क है. तो सभी टाइप्स ऑफ रिस्क को कवर करेंगे विद क्रेडिट मैनेजमेंट, और फिर इसी से हम लिंक करेंगे हमारे PCA को, विच इज़ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, क्यों RBI लेकर आया, इस रिस्क मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है बैंकिंग सिस्टम में, उसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसल नॉर्म्स, व्हाट इज बेसल नॉर्म्स. ठीक है, तो बेसल नॉर्म्स हैं बेसल 1, 2 एंड 3, तीनों ही बेसल्स को हमें कवर करना है विद द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच बेसल नॉर्म. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बैंकिंग टर्मोलॉजीज, टर्म्स रिलेटेड टू बैंकिंग, लाइक IFSC, व्हाट इज़ IFSC, व्हाट इज़ MICR, व्हाट इज़ SWIFT. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हैं रिलेटेड टू बैंकिंग, जो हमारे किसी पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर हाँ अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज गवर्नमेंट स्कीम. गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम कवर करनी है.
अच्छा, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि गवर्नमेंट स्कीम पढ़े कौन सी, रिसेंट 1 साल की पढ़ लें या 2 साल की पढ़ लें या 6 महीने की पढ़ लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स से जो क्वेश्चंस आते हैं इनका कोई भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं होता स्टूडेंट्स। आपसे 2014 की स्कीम भी पूछी जा सकती है, आपसे 1997 की स्कीम भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि कौन सी स्कीम जो है आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है या कुछ रिसेंट रिफॉर्म उस स्कीम के अंदर हुए हैं, तो वहाँ से आपसे कोई भी पर्टिकुलर स्कीम पूछी जा सकती है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जितनी भी रिसेंट स्कीम्स हैं हमारी जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, या फिर वो पुरानी न्यूज़ जो अभी तक न्यूज़ में चल रही हैं, स्कीम्स जो अभी तक चल रही हैं, कुछ रिसेंट चेंजेस गवर्नमेंट ने वहाँ पर किए हैं, उन सबको हम कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था, RBI मंथली बुलेटिन सर्कुलर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स के सर्कुलर्स तो कवर करने हैं, ठीक है। 6 मंथ्स मिनिमम मैं बोल रही हूँ कि इतना हमें कवर करना है, 6 मंथ्स के सर्कुलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर्कुलर को कवर करना। जब आप RBI के सर्कुलर्स को कवर करोगे तो जितने भी बैंकिंग के टॉपिक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट PSL, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरी पॉलिसी की, तो ये सब किसका पार्ट है? ये सभी हमारे RBI के सर्कुलर्स का ही पार्ट है। तो RBI के सर्कुलर्स में हमें क्या करना है, जस्ट अपडेट्स देखने की, क्या क्या अपडेशंस बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किए। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, सर्कुलर्स सुनने के बाद स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, कवर नहीं कर पाएंगे, इट इज़ नॉट बिग डील। 6 मंथ्स का सर्कुलर हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लेटेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। बैंकिंग से रिलेटेड लेटेस्ट जितनी भी न्यूज़ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मर्जर्स जो भी हुए हैं, ठीक है, हम एक्विजिशंस की बात कर रहे हैं, एक्विजिशंस जितने भी हुए हैं बैंकिंग सिस्टम में, या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ है, कोई पर्टिकुलर बैंक ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, किसी पर्टिकुलर बैंक ने कोई वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो सारी लेटेस्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ को हमें कवर करना है। कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट ने बजट में किया है, प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ हम रेगुलर बेसिस पे सुनते जा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट को हम बार बार सुन रहे हैं, तो ये जितने भी हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ हैं वो सारी हमें कवर करनी है विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स की न्यूज़ हमें कवर करनी है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ दी सिंपल सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। ये हमारा सिंपल प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस है जो हमें ओवरऑल कवर करना है। आई थिंक प्रोफेशनल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ आपको ये सिलेबस देख के ईजिली क्लियर हो जाएगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। एक और चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बार डिस्कस करते हैं कि लाइक मैम, जब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक हम पढ़ रहे हैं या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे पढ़ें? क्या हम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पढ़ के जाते हैं कि हाँ ये अकाउंट ये है, इतना थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं, तो क्या इससे हमारा काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। सी, यू आर गोइंग टू गिव अ एग्जाम ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिसर, तो इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा हर एक अकाउंट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट BSBD अकाउंट, तो BSBD अकाउंट में हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई है, रेमिटेंस की क्या क्या कंडीशंस है। जब आप NRE अकाउंट की बात कर रहे हो तो NRE अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट होल्डर इंडियन रेसिडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, NRE में डायरेक्टली बोलेंगे NRE अकाउंट वो अकाउंट होगा जहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आप किसी अदर NRI को बना सकते हो, पर ऐसा नहीं है। NRE अकाउंट में आप इंडियन रेसिडेंट को भी अपना ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बना सकते हो, पर कंडीशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ विड्रॉ कर पाएगा और कुछ नहीं कर सकता। और वो भी कब दी गई है कंडीशन, जब जो पर्सन NRE अकाउंट खुलवा रहा है उसके डिपेंडेंट जो है, लाइक मदर है, फादर है, या जो भी पर्सन उसके डिपेंडेंट है जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर आप बना सकते हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ पैसा विड्रॉ करेंगे, अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस डिटेल में जाके हमें चीज़ें पढ़नी होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं चेक का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चेक को जब हम पढ़ते हैं, या प्रैक्टिकल बैंकिंग और हम थियोरिटिकल बैंकिंग की बात करें, तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि चेक में अगर अमाउंट आपका फिगर्स और वर्ड्स में गलत है, ठीक है, अलग अलग है, गलत मीन्स अलग अलग है, आपने फिगर्स में कुछ अमाउंट दिया है और वर्ड्स में कुछ और अमाउंट लिख दिया है, तो एज़ पर प्रैक्टिकल बैंकिंग और थियोरिटिकल बैंकिंग थोड़ा सा चेंज यहाँ पे क्या आता है कि बैंक क्या करते हैं, डिसऑनर भी कर देते हैं इस चेक को प्रैक्टिकल बैंकिंग में। पर थियोरिटिकल बैंकिंग में यहाँ पर बोला गया है कि आप वर्ड्स वाले अमाउंट को सही मान के क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो थियोरिटिकल में तो डायरेक्टली बोला है कि वर्ड्स को करेक्ट मान के आपको पेमेंट करना है, और प्रैक्टिकल बैंकिंग में इसको कुछ कंडीशंस में डिसऑनर के केस में भी लाया जाता है। तो ये हमारी नॉलेज होगी जो हमें कवर करनी होगी जर्नलिस्टिक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आई होप सिलेबस आप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट आप लोगों का सिलेबस से रिलेटेड है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट, अब
कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से कम टाइम में इस पूरे सिलेबस को हम कवर करें प्रोफेशनल नॉलेज को, तो हम ऑलरेडी एक बैच लॉन्च कर चुके हैं अड्डा 247 के एप्लीकेशन पे जाके आप देख सकते हैं। ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम 6 अप्रैल 2021, तो 6 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें हम इस सिलेबस में, इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो गो विजिट अड्डा 247 एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरल ऑफिसर का बैच मिलेगा, जो बायलैंग्वल बैच है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली कहाँ से जाके, अड्डा 247 से। ओके, तो दैट वॉज ऑल अबाउट द बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस स्टूडेंट्स, देखने में आपको टॉपिक वाइज लग रहा होगा बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, जो बैंकिंग अम्बोड्समेंट की बात आप करो या NBFCs की बात आप कर रहे हो, तो ये बहुत जनरल से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने। इट इज़ वेरी इजी टू कवर दीज टॉपिक्स विद इन 2 to 3 months। तो गो विजिट आर एप्लीकेशन एंड सर्च द बैंक ऑफ महाराष्ट्र टैब, जहाँ पे आपको ये बैच मिलेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्रोफेशनल नॉलेज, और भी कोई डाउट आता है आपका कि प्रोफेशनल नॉलेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।